हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमने अपने पिछले सेशन में सीजीएल 19 मेंस में पूछे गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को कवर किया था। आज हम उसी के आगे से 19 मेंस में पूछे गए इडियम्स एंड फ्रेजेस स्टार्ट करेंगे। अगर मैं एसएससी में पूछे जाने वाले लर्निंग पोर्शन की बात करूँ, चाहे वो इडियम्स हों, वन वर्ड्स हों या एंटोनिम्स सिनोनिम्स हों, तो कई लोग कहते हैं कि उन्हें वो काफ़ी चीज़ें लर्न करते हैं बट वो उन्हें भूल जाते हैं। फिर वो मॉक दे रहे होते हैं या एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो वो ऑप्शंस देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उन्हें याद नहीं रहता है कि इसका सही आंसर क्या है। तो ये जो होता है वो बेसिकली रिविज़न की कमी की वजह से होता है। आप लर्न तो बहुत करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि आप डेली कितनी नई नई चीज़ें सीख लें, बट जो आपने पिछला पढ़ा होता है उसे आप रिवाइज़ नहीं करते हैं। और एसएससी के एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा नई चीज़ें सीखने से बेटर है कि जो पुराना है, जो कॉमन है, जो सबको आता है, आपको वो नहीं भूलना चाहिए। वो आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। वो कब होगा? जब आप टाइमली रिवाइज़ करेंगे। तो आप एक टाइम टेबल बनाइए कि आप एक घंटा अगर इंग्लिश को दे रहे हैं तो उसमें आधे घंटे आप नया कुछ पढ़िए और आधे घंटे आप पिछला रिवाइज़ कीजिए। इस तरह से एग्ज़ाम तक कंटिन्यूस रिवीजन बना रहना चाहिए। तो जब आप इस तरह से पढ़ेंगे तो वो आपको लंबे समय के लिए याद रहेगा। आई होप ये आपकी थोड़ी हेल्प करेगा प्रिपरेशन में। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है हमारा ईट वंस वर्ड्स, मतलब अपने शब्द वापस ले लेना। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए फॉरगिव एंड फॉरगेट, मतलब माफ करना और भूल जाना, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी बिकम लेस एक्सेप्टेबल, ये भी नहीं होगा। डी है हमारा अपोज स्टर्नली, मतलब किसी बात का कड़ा विरोध करना, तो ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, रिट्रैक्ट व्हाट वन हैज सेड, मतलब किसी ने जो कहा है उसे वापस ले ले, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ईट वंस वर्ड का जो आंसर होगा वो होगा रिट्रैक्ट व्हाट वन हैज सेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रोज कलर्ड ग्लासेस, मतलब कि गुलाबी रंग का चश्मा पहन लेना। तो इससे आपको क्या लग रहा है, जब आप गुलाबी रंग का चश्मा पहन लेते हैं तो हमें हर चीज अच्छी अच्छी दिखती है ना, तो उसी सेंस में इसे बोला गया है। ऑप्शंस देखते हैं हमारे। ऑप्शन नंबर ए है अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ, मतलब लाइफ के प्रति एक पॉजिटिव सकारात्मक सा आपका दृष्टिकोण हो, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, निगेटिव चीजों के प्रति ध्यान ना देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है हमारा अ डिफिकल्ट सिचुएशन, एक कठिन परिस्थिति, ठीक है ये भी नहीं होगा। एंड आउटडेटेड एटीट्यूड, मतलब किसी चीज के प्रति पुराना दृष्टिकोण जो आज के समय में बिल्कुल इसका कोई सेंस ना हो। ठीक है, अ बिलीव नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, एक ऐसा विश्वास जो कि फैक्ट्स पर आधारित ना हो। तो आप सभी समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ, रोज़ कलर्ड ग्लासेस का हो गया जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, मतलब एकदम से अचानक बिना किसी प्लानिंग के, ठीक है किसी बात पे तुरंत डिसीजन ले लेना। ऑप्शंस देखते हैं इसके, डिसाइडिंग आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंकिंग, मतलब बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना, ये तो बिल्कुल इसका कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, ये तो होगा नहीं। एक्टिंग इम्पल्सिवली विदाउट थिंकिंग, मतलब बिना सोचे समझे किसी बात को तुरंत डिसाइड कर लेना, तुरंत कार्य करना, ये तो लग रहा है इसका यही होना चाहिए। बाकी लेकिन ऑप्शंस तो हम बाकी भी देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी है वेटिंग नर्वसली फॉर समथिंग, मतलब किसी बात का बेसब्री से इंतजार करना। बींग एक्सट्रीमली केयरफुल, मतलब बहुत सावधान रहना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्टिंग इम्पल्सिवली विदाउट थिंकिंग, यानी कि बिना सोचे समझे किसी कार्य पर तुरंत एक्शन लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, वन ट्रैक माइंड, मतलब एक ही ट्रैक पर सोचना, एक ही बात के बारे में सोचना और कुछ भी ना सोचना। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए थिंकिंग ऑफ अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब किसी दूसरे दृष्टिकोण के बारे में सोचना, ये तो होगा नहीं, ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। यूजिंग अ वेल नोन पाथ, मतलब वो एकदम ऐसा रास्ता यूज करना जिसे सब लोग जानते हो, वेल नोन पाथ। ऑलवेज थिंकिंग ऑफ ओनली वन थिंग, मतलब हमेशा एक ही बात के बारे में सोचना। ठीक है, और वेटिंग एंग्शियसली फॉर समथिंग, मतलब किसी चीज का बेसब्री से इंतजार करना। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Always thinking of only one thing, one track mind का हो गया। जब आपका दिमाग एक ही ट्रैक में चले, एक ही दिशा में चले, तो मतलब किसी एक ही चीज के बारे में सोचना।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा ऑन द डबल। डबल मींस होता है दुगना, मतलब कोई काम दुगनी तेजी से करना। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, मतलब ढहने की कगार पर। ठीक है, कोई चीज जब ढहने वाली हो, गिरने वाली हो, उसकी कगार पर। एट अ फास्ट पेस, मतलब बहुत ही जल्दी, ठीक है, तेज गति से। और ऑप्शन नंबर सी है आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर मतलब हो गया कोई चीज जब खराब हो जाती है तब उसे कहते हैं आउट ऑफ ऑर्डर हो जाना। ठीक है, बिटवीन टू अनडिजायरेबल थिंग्स हो गया, मतलब जब दोनों चीजें आपकी पसंद की ना हो, जब आप दो नापसंद चीजों के बीच में हो। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एट अ फास्ट पेस। ऑन द डबल मतलब एट अ फास्ट पेस, तेज गति से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओवर वंस हेड। ओवर वंस हेड का मतलब होता है सर के ऊपर से निकल जाना। ठीक है, कुछ समझ में ना आना, आपकी समझने की क्षमता से परे। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए समथिंग टोटली अनएक्सपेक्टेड, मतलब कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड ना हो। ठीक है, बीइंग एट अ डिसएडवांटेज, मतलब कि नुकसान में होना। ठीक है, जब आप नुकसान की स्थिति में हो। अनएबल टू फंक्शन एज बिफोर, मतलब कोई चीज जब पहले की तरह काम ना कर पाए, मतलब जैसा काम वो करती हो वैसा ना करे। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 4 है हमारा बियॉन्ड वंस कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, मतलब आप जो कुछ आप की जो सोचने की क्षमता है उससे ऊपर, आपको समझ ही ना आए कि वो। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो गया, बियॉन्ड वंस कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, कुछ समझने की क्षमता से परे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अ फेयर वेदर फ्रेंड, मतलब वो फ्रेंड जो आपके अच्छे समय में आपका साथ दे, बुरे समय में आपका साथ छोड़ दे। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए एन अनरिलायबल फ्रेंड, मतलब ऐसा फ्रेंड जिस पर विश्वास न किया जा सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अ डिपेंडेबल फ्रेंड, मतलब भरोसेमंद दोस्त। ऑप्शन नंबर सी अ फ्रेंड टर्नड इनटू एन एनिमी, एक ऐसा दोस्त जो आपका दुश्मन बन गया हो। ऑप्शन नंबर डी अ जेलस फ्रेंड, मतलब ईर्ष्यालु दोस्त, वो फ्रेंड जो आपसे ईर्ष्या करता हो। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एन अनरिलायबल फ्रेंड, मतलब ऐसा फ्रेंड जो बुरे समय में आपका साथ छोड़ दे, भरोसेमंद ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, मतलब कि जैसे इसको ऐसे समझिए कि साफ हवा में जब आप सांस लेते हैं तो आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है, रिफ्रेशिंग लगता है, तो उसी सेंस में है ये। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए अ पीसफुल एंड रिलैक्सिंग प्लेस, मतलब एक शांति और एक शांति से भरी हुई आरामदायक जगह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी समवन विद अ प्लेजेंट वॉइस, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आवाज बहुत अच्छी हो, मधुर हो। अ हाई प्राइस एंड एक्सपेंसिव थिंग, कोई महंगी वस्तु। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी समवन और समथिंग न्यू एंड रिफ्रेशिंग, कुछ नया और ताजा। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर का समवन और समथिंग न्यू एंड रिफ्रेशिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। टेक एक्सेप्शन, मतलब किसी बात पर असहमत होना। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए अप्रिशिएट, अप्रिशिएट तो हो गया किसी की प्रशंसा करना। ऑब्जेक्ट हो गया किसी बात पर असहमत होना, आपत्ति जताना। ठीक है, एंड केयर फॉर तो हो गया किसी बात की चिंता करना। ठीक है, और डिनाई हो गया मना करना। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट टू। टेक एक्सेप्शन मतलब मैं इस बात पे ऑब्जेक्ट करता हूँ, आपत्ति जताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। टू कॉल द शॉट्स, मतलब ऐसी पोजीशन पे होना जहाँ पे आप किसी चीज को कंट्रोल कर पाए, किसी आप डिसाइसिव पोजीशन पे हो, जहाँ पे डिसीजन आपको ही लेना हो। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए अप टू बी द पर्सन इन चार्ज, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जो कहीं पे उसे वो पूरा वहां का चार्ज संभालता हो, जो भी कुछ वहां पे निर्णय लेना हो वो वही व्यक्ति लेगा, तो वो हो जाता है वहां का इंचार्ज। टू बी ब्लिसफुली हैप्पी, मतलब बहुत ही खुश रहना। टू बी इन डेट, मतलब कर्ज में होना। टू लैक कंट्रोल, मतलब कोई ऐसा, मतलब जहां पे आपका कंट्रोल ना हो। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टू बी द चार्ज, टू बी द पर्सन इन चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बाई लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ना, कई गुना वृद्धि करना। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए एट अ रैपिड पेस, मतलब बहुत ही तीव्र गति से बढ़ना। ऑप्शन नंबर बी वेरी ग्रेजुअली, मींस धीरे धीरे।
ऑप्शन नंबर सी थ्रू अनफेयर मींस मतलब गलत रास्ते से, ठीक है, गलत तरीकों से आगे बढ़ना, इन फार ऑफ प्लेसेस मतलब दूर दूर की जगहों पर। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एट अ रैपिड पेस, बाय लीप्स एंड बाउंड का मतलब हो गया कई गुना वृद्धि करना, एट अ रैपिड पेस भी वही हो गया तीव्र गति से बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, अ क्राई इन द विल्डरनेस। इसको समझते हैं हम लोग, अ क्राई इन द विल्डरनेस का मतलब हो गया जैसे जब आप जंगल में हैं या कहीं ऐसी जगह पे हैं एकांत जगह में, वहां पे आप रोएं चिल्लाएं, कोई सुनेगा तो नहीं, आप खुद भी बोलते रहे, मतलब जब कोई आपकी बात पे ध्यान ही ना दे, कोई आपको सपोर्ट ना करे, इग्नोर करे, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए मोर्निंग फॉर द लॉस मतलब कोई आपका लॉस हो गया हो उस पर रोना, स्प्रेडिंग र्यूमर्स मतलब अफवाहें फैलाना, ऑप्शन नंबर सी एन अनहीडेड वार्निंग मतलब आपने किसी बात को की चेतावनी पहले ही दी हो लेकिन तब उसे अनसुना कर दिया गया हो, और ऑप्शन नंबर डी टीयर्स ऑफ सोरो मतलब दुख के आंसू। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एन अनहीडेड वार्निंग मतलब आपकी बात पे ध्यान ही ना दिया गया हो, आपको बिल्कुल ऐसे दिखाया गया हो कि आपको इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर मतलब जंगल में आग की तरह फैल जाना। जंगल में आग की तरह कोई चीज कैसी फैलती है, जब कोई चीज बहुत ही जल्दी फैल जाती है, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए कॉज डैमेज मतलब जब डैमेज हो जाए, कोई चीज खराब हो जाए, कॉज्ड फियर मतलब डर पैदा करना, स्प्रेड स्लोली मतलब कोई चीज जब धीरे धीरे फैले, और स्प्रेड रैपिडली मतलब हो गया कोई चीज एकदम तेजी से फैले। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 और आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर मतलब पानी के बिना जैसी मछली की स्थिति हो जाए वैसी स्थिति हो जाना, मतलब अनकंफर्टेबल, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए एंग्री एंड हर्ट गुस्सा होना, ठीक है, गुस्सा होना और हर्ट होना, ठीक है। कंफर्टेबल एंड रिलैक्स मतलब एक आरामदायक और अच्छी पोजिशन में होना, रिलैक्स्ड वे में होना, ठीक है। अनकंफर्टेबल एंड रेस्टलेस मतलब हो गया असहज और बेचैन, जब आपको बहुत बेचैनी हो, ठीक है। एंड ऑप्शन नंबर डी हैप्पी एंड फ्री हो गया, खुश रहना, ठीक है, खुश और मुक्त रहना। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनकंफर्टेबल एंड रेस्टलेस लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर मतलब पानी के बिना मछली की स्थिति जैसी हो जाती है, वो बेचैन हो जाएगी, असहज हो जाएगी, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस सेशन में अपने 14 idioms कवर कर लिए, 19 मींस में टोटल 28 idioms पूछे गए थे, 14 हमने इस सेशन में किए हैं, बचे हुए 14 हम अगले सेशन में कर लेंगे। आई होप ये सारे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट और परेशानी नहीं होगी, कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बताइएगा। चलिए अब मिलते हैं अपने अगले सेशन में।